नमस्कार, मैं प्रिया। आज 14 सितंबर, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के दुनिया को अलविदा कहने के बाद बिहार के दिग्गज नेताओं ने जताया दुख। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता रहे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे नेता ने दिल्ली स्थित एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। उनके गुजर जाने के बाद बिहार के कई दिग्गज नेताओं ने अपना शोक व्यक्त किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जमीन से जुड़े राजनेता ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। डॉक्टर सिंह एक प्रख्यात समाजवादी नेता थे। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह क्या कर दिया रघुवंश बाबू, इतनी जल्दी हमसे दूर इतना दूर चले गए। वहीं तेज प्रताप यादव ने और तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके अपना दुख व्यक्त किया है, जिसके तहत तेज प्रताप यादव ने लिखा कि हमारा सिरमौर हमारे बीच नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी 3 पेट्रोलियम प्रोजेक्ट की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बिहार को एक बार फिर से 3 नए पेट्रोलियम प्रोजेक्ट की सौगात दी है, जिसके तहत उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के एक ब्लॉक और 2 बॉटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के चेहरे के रूप में समर्थन भी किया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यू इंडिया और न्यू बिहार के लक्ष्य को पूरा किया है और इसमें अहम भूमिका भी निभाई है। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 158,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 1523 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 158,389 पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 94, अरवल में 18, औरंगाबाद में 36, बांका में 23, बेगूसराय में 26, भागलपुर में 73, भोजपुर में 14, बक्सर में 23, दरभंगा में 31, पूर्वी चंपारण में 52, गया में 38, गोपालगंज में 18, जमुई में 10, जहानाबाद में 17, कैमूर में 13, कटिहार में 27, खगड़िया में 51, किशनगंज में 33, लखीसराय में 51, मधेपुरा में 32, मधुबनी में 40, मुंगेर में 19, मुजफ्फरपुर में 89, नालंदा में 32, नवादा में 10, पटना में 173, पूर्णिया में 68, सहरसा में 90, समस्तीपुर में 19, सारण में 41, शेखपुरा में 7, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 19, सिवान में 16, सुपौल में 67, वैशाली में 39, पश्चिम चंपारण में 47। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट पर गौर करें तो कुल मिलाकर 143,053 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से 822 लोगों की जान जा चुकी है। रघुवंश प्रसाद सिंह का आज पूरे सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं उनके गुजरने के बाद आज पूरे सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बीते दिन शाम की फ्लाइट से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद दिखाई दिए थे। और अब रघुवंश बाबू के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आपको बता दें, रघुवंश बाबू बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। बिहार के 6 यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति होगी जल्द। बिहार के 6 परंपरागत विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की शीघ्र नियुक्ति की जानी है। इसी साल के शुरुआत में राजभवन सचिवालय द्वारा जारी वीसी नियुक्ति की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। कुलपतियों की नियुक्ति के लिए गठित अलग अलग संस्कृतियों की अनुशंसाएं भी पहुंच गई है। वहीं अब केवल राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विचार विमर्श होना बाकी है। वहीं जिन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की जानी है उनमें पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिश्रा मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा तिलक मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा और बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा का नाम शामिल है। पटना एयरपोर्ट से अगले सप्ताह से अलग अलग शहरों के लिए उड़ानों की संख्या में होगी बढ़ोतरी। कोविड-19 के कारण विमानों के पहिए पर लगा ब्रेक अब धीरे धीरे हटने लगा है, जिसके तहत धीरे धीरे करके अलग अलग शहरों के लिए और अधिक यात्री विमानों की सेवा शुरू की जानी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री विमान सेवाएं नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू की जाएगी। पटना एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण कार्य का भी इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया है। आज बिहारी पहुंचेंगी चुनाव आयोग की टीम। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों के बीच केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम आज पटना मुजफ्फरपुर पहुंचने वाली है, जिसके बाद मंगलवार को यह टीम भागलपुर और गया का दौरा करेगी। चुनाव आयोग की टीम ने उप निर्वाचक आयुक्त संदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार के साथ साथ आयोग के दूसरे अधिकारी भी शामिल होंगे। टीम 2 दिन तक डीएम और एसएसपी एसपी के साथ बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेगी। जानकारी के मुताबिक आयोग की टीम सोमवार की सुबह पटना पहुंचेगी, जिसके बाद वो मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में बियाडा करेगी स्टार्टअप को भी जमीन आवंटित।
बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में अब स्टार्टअप को भी जमीन मुहैया करवाई जाएगी, जिसके तहत स्टार्टअप कंपनियों को जमीन देने के लिए बियाडा ने अपना कदम आगे बढ़ाया है, जिससे बिजनेस के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में इनोवेशन लीडर तैयार करने के मामले में बिहार देश में अव्वल साबित हुआ है, जिसके तहत शिक्षा, श्रम, कला, नए आइडिया सहित कोई भी क्षेत्र हो, बिहारी हर क्षेत्र में और सोच और क्षमता के साथ लोहा मनवाते आए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति के तहत बिहार में सबसे पहले नए स्टार्टअप को 10 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सत्येंद्र नारायण सिन्हा की। सत्येंद्र नारायण सिन्हा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने वालों में से एक थे। वो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति लाने में उनके साथ रहने वाले और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सत्येंद्र नारायण सिन्हा छोटे साहब के नाम से भी बिहार में काफी मशहूर थे, जिन्हें औरंगाबाद क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था। इसके साथ ही वो बिहार विधानसभा के 3 बार सदस्य भी रह चुके थे। वहीं उन्होंने 4 सितंबर 2006 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। स्वतंत्रता के बाद 1950 में उन्हें बिहार से विधानसभा भेजा गया था। वहीं मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व थे। नरघोघी पंचायत में बनने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे शिलान्यास। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर सराय रंजन प्रखंड का नरघोघी पंचायत कई मायनों से अहम माना जा रहा है। यहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण हो रहा है। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज का आज विधिवत तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास करने वाले हैं। इसके साथ ही तैयारी शुरू हो चुकी है, साथ ही सारा काम भी पूरा किया जा चुका है। नरघोघी पंचायत की हजारों एकड़ जमीन राम जानकी मठ के नाम पर है। धीरे धीरे जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने की प्रक्रिया हो गई थी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी के प्रयास के बाद उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में पहले मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अब इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण की राह को आसान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को बताया टैलेंट का पावर हाउस। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को फिर से बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र को 3 परियोजनाओं को देश में उन्होंने समर्पित किया है। इस दौरान उन्होंने बिहार की भी खूब तारीफ की है। उन्होंने बिहार को देश की प्रतिभा का पावर हाउस बताया है और कहा है कि यह ऊर्जा का केंद्र है, ना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार के युवाओं की यहां की प्रतिभा का प्रभाव इस जगह भारत सरकार में भी। बिहार के ऐसे कितने ही बेटे बेटियां हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी IIT या फिर संस्थान में चले जाइए, वहां भी बिहार की चमक आपको जरूर देखने को मिलेगी। रघुवंश बाबू के आखिरी खत का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भेजा था जवाब। दुनिया को अलविदा कहने से पहले रघुवंश बाबू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत जारी किया था, जिसका जवाब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था। पत्र में वैशाली के विकास की बात कही गई थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने पत्र का जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भगवान बुद्ध के काबुल संग्रहालय अफगानिस्तान में रखे पवित्र भिक्षा पात्र को वैशाली लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप की योजना कार्यान्वित की जा रही है। सरकार के 7 निश्चय योजना में कृषि, पशुपालन और मत्स्य को किया गया शामिल। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के योजनाओं को लेकर लगातार केंद्र और राज्य सरकार घोषणा कर रही है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार लगातार यह दावा कर रहे हैं कि किसानों की आय में 2022 तक वृद्धि देखी जाएगी, जिसके लिए विभाग की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के प्रखंड स्तर पर किसान सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है और बिहार में 73 केंद्रों पर युवाओं को कृषि कार्य करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पशुपालन हो या मत्स्य पालन, सभी क्षेत्र में अधिक से अधिक काम करवाए जा रहे हैं। मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन 2 जल्द होगी रिलीज। मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी और यही कारण है कि अब द फैमिली मैन का सीक्वल भी जारी होने जा रहा है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक तस्वीर करके शेयर की है, जिसमें वो स्टूडियो में दिखाई दे रहे हैं। इस ट्वीट को करते हुए मनोज बाजपेयी ने लिखा कि डबिंग फॉर द फैमिली मैन 2 की शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही फैमिली मैन का सीजन 1 रिलीज किया गया था तो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया था, जिसके तुरंत बाद इसके दूसरे सीजन की रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी गई थी, जहां अब इसकी डबिंग मुंबई में शुरू हो गई है। बिहार में 90% से ज्यादा COVID-19 मरीज ठीक होकर लौटे घर। बिहार में COVID-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मगर राहत की बात यह है कि बिहार में ठीक होने वालों की दर ज्यादा बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन साझा की गई जानकारी के अनुसार संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बिहार में लगभग 90% बताई गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,05,930 सैंपल की जांच करने का अनुमान जताया है और इसी तरह बिहार में अब तक कुल मिलाकर 47,73,917 सैंपल की जांच की जा चुकी है।
रघुवंश बाबू के जाने के बाद शोक में डूबे हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले रघुवंश बाबू ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं उनके जाने के बाद लालू प्रसाद यादव काफी ज्यादा शोक में नजर आ रहे हैं। जारी की गई जानकारी के अनुसार जब से उन्हें खबर मिली है तब से वो चुपचाप बैठे हैं, ना वो किसी से बातचीत कर रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। 3 दिन पहले उन्होंने रघुवंश बाबू के पार्टी के इस्तीफे को नामंजूर करते हुए पत्र लिखकर साफ तौर पर कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। झारखंड राजद के महासचिव और लालू के सेवक इरफान अहमद अंसारी की माने तो रघुवंश बाबू की खबर सुनने के बाद लालू प्रसाद यादव बेहद शोकाकुल नजर आए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एनडीए में छोटे बड़े होने की बात को किया दरकिनार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के भाजपा चुनाव अभियान समिति के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिन एनडीए को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा और इस गठबंधन में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं होगा, बल्कि सभी समान होंगे। भाजपा इस बार सम्मानजनक सीट के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी क्योंकि पहले की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। लोजपा के गठबंधन में रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए में सभी घटक दल एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पटना में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर मामला दर्ज करवा दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के ऊपर राजधानी पटना के गांधी मैदान में मामला दर्ज करवाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ 10 नामजद और 400 अज्ञात लोगों पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इन सभी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे शिक्षा सुधार सप्ताह के अंतिम दिन रविवार को शिक्षा सुधार मार्च निकाला था, जिसकी सूचना पहले से प्रशासन को नहीं दी गई थी। इसी कारण पुलिस ने यह कदम उठाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिहार विधान परिषद पहुंचे रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर को पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से बिहार विधानमंडल ले जाया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह की लोकप्रियता पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में रही है। विभिन्न स्थल पर उन्होंने जो काम किया है वो हमेशा सराहनीय रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि रघुवंश बाबू के हर सपने को साकार किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के युवा को शिक्षा रहित करने का लगाए आरोप। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में युवाओं को शिक्षा रहित करने के आरोप लगाए हैं। पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे शिक्षा सुधार सप्ताह के अंतिम दिन शिक्षा सुधार मार्च को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल की बदहाली करने के कारण गरीबों को शिक्षा से दूर किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए मेरे सुझाव को सरकार ने रद्द कर दिया है और रद्दी के टोकरे में फेंक दिया है। 3 साल पहले भी दिए गए सुझाव पर अब तक कोई विचार नहीं हुआ। सरकार चाहती ही नहीं कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त और गरीब के बच्चे पढ़े। भाई वीरेंद्र ने एनडीए से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे का किया दावा। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में सीट बंटवारे का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि एनडीए से पहले महागठबंधन सीटों की घोषणा करेगा। महागठबंधन के सभी नेता एक साथ मिलकर जल्द ही कोई फैसला लेने वाले हैं। उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। महागठबंधन के नेता एक साथ बैठकर एनडीए से पहले सीट के बंटवारे की घोषणा कर देंगे। इसके साथ ही सीटों का चयन भी कर लिया गया है, जिसकी जल्द ही औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। बिना लालू के जारी किए गए पोस्टर में नीतीश कुमार पर साधा गया निशाना। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच पोस्टर का खेल शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें रिझाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीते दिन नीतीश कुमार के खिलाफ जारी किए गए राजद की तरफ से पोस्टर में लालू प्रसाद यादव की तस्वीर नदारद नजर आई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए लिखा गया, ना आई बाहर ना बदला बिहार, फिर काहे का नीतीश कुमार बनेगा सपनों का बिहार, आने दो तेजस्वी सरकार। कोविड 19 वैक्सीन पर हर्षवर्धन ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कोविड 19 वैक्सीन को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड 19 वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक अहम प्रक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अगर कुछ लोगों को इस पर भरोसा नहीं है तो वो पहले व्यक्ति होंगे जो टीका लगवाने के लिए तैयार रहेंगे। उन्हें वैक्सीन की पहली खुराक लेने में खुशी होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को सोशल मीडिया फॉलोअर्स द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वैक्सीन को लेकर अगर कुछ लोगों में विश्वास की कमी है तो वो वैक्सीन की पहली खुराक लेने को तैयार है। जहीर अब्बास ने रोहित शर्मा से सीखने की दी नसीहत। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज जहीर अब्बास ने अपने खिलाड़ियों को भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा से सीखने की नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज को यह देखना चाहिए कि वो कैसे खेलते हैं, उनकी तकनीक कैसी है। खुद हनीफ मोहम्मद और रोहन कन्हाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब्बास ने कहा कि भारत ने हमेशा सीखा है, लेकिन अब समय है कि हम उनसे कुछ सीखे। सुनील भास्कर हमेशा कहा करते थे कि आपको विरोधी टीम से भी सीखना चाहिए। देखिए उनके बल्लेबाज किस तरह परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान को यह सीखने की जरूरत है कि जब भी टीम को जरूरत होती तब कोई ना कोई आकर शानदार पारी खेल जाता है।
अब टीवी की मदद से भी कर सकेंगे वीडियो कॉलिंग। अब सभी यूजर अपने टीवी की मदद से भी आसानी से वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। कंपनी के डुओ ऐप लॉन्च कर दिया है सर्च इंजन जॉइंट में। इस हफ्ते की शुरुआत में इस ऐप के आने का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह एंड्रॉयड टीवी के लिए बीटा वर्जन में उपलब्ध होगा। गूगल के एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति इस बीटा वर्जन को फोन या पीसी ब्राउजर के जरिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। इसके होम स्क्रीन या इसके एक्सेस से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही इसे खोलने का एकमात्र तरीका यही है कि सेटिंग ऐप या स्लाइडलाइन लॉन्चर का उपयोग करना होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गोविंद कुमार, विक्की शर्मा, अजय कुमार, उजाला चौधरी, प्रेमराज, राजकुमार, श्रेया सिंह, मुकेश शर्मा, विपिन कुमार, गुप्ता पूजा, रावत सुरेश कुमार, अजीत दीपेंद्र कुमार, मुकेश शर्मा, विशाल भान सिंह, वकील पासवान, कैलाश गोस्वामी, अभिमन्यु शर्मा, मंजीत मिश्रा, सतीश कुमार, पंकज कुमार रॉय, धीरेंद्र कुमार, उजाला चौधरी, लालदेव सिंह, मिथिलेश झा, नीरज सिंह, रोहित कुमार, उदय कुमार, प्रियांशु राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार हमें हमारे 25 बड़ी खबरों में क्या सुधार करने की और ज्यादा जरूरत है? अगर आपके दिए गए सुझाव हमें पसंद आए तो हम उसके इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।